आत्मा क्या है? जो पूर्ण सदा पवित्र है, जो सदा अटल है, कभी नहीं टल सकता, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो प्रजाओं का उत्पत्ति स्थल है, जो सर्वधर्म की प्रेरणा है, जो सबको शक्ति प्रदान करता है, जो सबको देख और सुन सकता है, जो सबका प्रकाश है, प्रकाश से पूर्ण है, जो अच्छी तरह अनुभव में आने वाला है, जो तत्व का आश्रय है, जो मुक्ति रूप सिद्धि देने वाला है, जो प्रकाश है वो अग्नि के समान है, जो संसार की उत्पत्ति का कारण है, जो शक्तिमानों में सर्वश्रेष्ठ है, जो प्रभु के प्यारों को विश्राम देता है, जो सत्वगुण से भी श्रेष्ठ है, जो धर्म है और धर्म की शोभा है, जो इंद्रियों और मन से जाना नहीं जाता, जो भक्तों के मनोरथ सिद्ध करता है, जो आने और जानने लायक है, जो सत्य रूप नारायण है, जो सर्व प्रपंचों से परे, जो सर्व जीत है, विजय रूप है, जो सबका आधार है, जो मन और वाणी से परे है, जो समस्त प्राणियों को पैदा करता है, जो अविनाशी निधि है, जो समस्त कार्यों में समर्थ है, जो कर्म और फल की रक्षा करता है, जो भूत भविष्य और वर्तमान में भी शाश्वत है, जो जगत के लिए कल्याणकारी है, जो अति सुंदर और सर्वश्रेष्ठ है, जो संत पुरुषों का अभीष्ट है, जो सर्व की शक्ति है, जो भक्तों का ईश्वर है, जो किसी से भी पराजित नहीं होता, जो योग और क्षेम संभालता है, जो जन्म और मरण से रहित है, जो सारे संसार में व्याप्त है, जो सबके प्राणों को धारण करता है, जो सदा जागृत और जन्म से रहित है, जो सबकी अटल सब संपत्ति है, जो सबसे श्रेष्ठ क्रांति वाला है, जो सरल स्वभाव वाला है, जो भक्तों के स्मरण में आता है, जो सबके शरीर का आधार है, जो नित्य आत्म आनंद सुख वाला है, जो परम पूजनीय है, जो अखंड ज्योति है, जो उत्तमों से भी उत्तम है, जो सर्व सुखों से श्रेष्ठ है, जो रहस्य का भी रहस्य है, जो आवागमन से रहित है, जो उत्तम यश वाला है, वह आत्मा है, जो पापों से मुक्त करने वाला है, जो अपने प्रकाश से सर्वत्र व्याप्त है, जो ज्ञान और मान की मूर्ति है, जो भक्ति और भक्तों का आनंद रूप है, जो व्यवहार में समत्व भाव रखता है, जो चारों आश्रमों का अति प्रिय है, जो अति दुर्लभ है, जो सदा अखंड है, वह आत्मा है, जो सदा अचल स्थिर है, जो अखंड ज्ञान से पाया जा सकता है, जो सर्वत्र वर्तमान है, मन से परे है, जो सबके द्वारा पूजा जाता है, जो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जो सबको जानने वाला है, जो सबको जीतने वाला है, जो सब पर विजय करने वाला है, जो परमार्थी सत्य रूप परिपूर्ण है, जो निधि की भी निधि है, जो सदा सबके लिए कल्याणकारी है, जो प्रयास और अनुभव से प्राप्त होता है, जो सदा पवित्र है, जो तीनों कालों में ऐश्वर्य से युक्त है, जो सर्व जीवात्माओं का रक्षक है, जो सबका अपना है, जो इंद्रियों का अति प्रिय है, जो स्वार्थ से पूर्ण रहित है, जो सदा अपने स्वरूप में स्थित है, जो सबके हृदय में निवास करता है, वह आत्मा है, जो परमानंद स्वरूप है, जो योगियों के
ध्यान में आता है, जो सर्वत्र है और सर्वत्र जाना जाता है, जो ब्रह्म का मार्ग है, जो सर्व गुणों से श्रेष्ठ आनंद देता है, जो शून्य और आकाश है, जो सर्व पुण्यों का पुण्य है, जो राम कृष्ण हरि रूप में है, वह आत्मा है, जो कालों का भी काल रूप है, जिसकी सत्ता से सारी सृष्टि चल रही है, जो साक्षात सारे संसार का साक्षी है, जो विकार रहित शिशु भी है और वृद्ध भी है, जो पुरुष का सदा प्रयत्न रूप है, जो सदा अपने स्वरूप में स्थित है, जो चंद्रमा को शक्ति देता है, जो तप के द्वारा अनुभव में आता है, जो अनंत कल्याण गुण से पूर्ण है, जो सर्व प्रकाश का भी प्रकाश है, जो सृष्टि और प्रलय करने वाला है, जो प्रसन्न होकर सब कुछ देने वाला है, वह आत्मा है, जो आनंद से लबालब भरा हुआ है, जो भय और शोक से रहित है, जो हित अहित बनाने वाला है, जो सदा और सबका सदा प्रेरक है, जो समस्त विकारों का नाश करने वाला है, जो शुद्ध आकाश रूप है, जो मृत्यु धर्म से रहित है, जो सहज ही जानने में नहीं आता है, जो सर्व ज्ञान का भी ज्ञान है, जो सर्व प्राणियों का अंतर्यामी है, जो सबके दुखों को हरता है, जो सारे संसार का दृष्टा है, जो विचार से अनुभव में आता है, जो सबको ठीक ठीक जानता है, जो सर्व शोक का नाश करता है, जो तीनों लोकों का आश्रय है, वह आत्मा है, जो सत्चित आनंद स्वरूप है, जो सर्व शुभ कार्यों की शोभा है, जो सत्य और धर्म से अनुभव में आता है, जो हजारों में एक को मिलता है, वह आत्मा है, जो धर्मात्मा को तारने वाला है, वह आत्मा है, जो तीनों पाप से मुक्त करता है, जो मन इंद्रियों से जाना ना जा सके, जो सबसे सुंदर कांति वाला है, जो सबकी शक्ति बनकर हृदय में बैठा है, जो आत्मा स्वरूप से सब में बसा है, जो सर्व गुणातीत है, सर्व गुणों से परे है, वह आत्मा है, जो सबको तृप्त करने वाला है, जो सर्व माया से महान है और सर्वश्रेष्ठ है, वह आत्मा है, जो महातेज वाला तेजस्वी है, वह आत्मा है, जो सर्व शक्तियों से श्रेष्ठ है, जो शरीर की स्थिर स्वभाव है, जो समस्त प्राणों का प्राण है, जो समस्त शक्तियों से युक्त है, वह आत्मा है, जो सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, जो सारे जीवों के पाप पुण्य को जानता है, वह आत्मा है, जो पवित्र मन वाला पूर्ण शुद्ध है, जो सर्व पापों से दूर है, जो पास भी है दूर भी है, जो सब कुछ जानता है, जो बड़ा भाग्यशाली है, वह आत्मा है, जो ईश्वर का अति प्रिय है, जो अपनी महिमा में सदा स्थित है, जो सबसे प्रथम वंश वाला है, जो निकट आता है उसे पूर्ण शांत करता है, जो सर्व आनंद का भी आनंद है, वह आत्मा है, जो संसार का कारण है, शुभ कार्यों का कारण एकमात्र आत्मा है, और सब शुभ कार्यों का एकमात्र कारण ये आत्मा है, जो सर्वत्र पूजने योग्य है, जो सबका स्वयं आधार है, वह आत्मा है, जो सबके ज्ञान को जानता है, जो भक्तों को तारने वाला है,
जो सारी सृष्टि में सर्वत्र है, जो ब्रह्मा का भी पिता है, वह आत्मा है, जो परमानंद रूप है, वह आत्मा है, जो अनेक रूपों में प्रकट है, वह आत्मा है, जो सद्युक्त कर्मों से अनुभव में आता है, जो कभी सोता नहीं सदा जागृत है, वह आत्मा है, जो अज्ञात होकर भी जानने योग्य है, जो ईश्वरीय विद्या को जानने वाला है, जो सर्वत्र है, जो सब में सब कुछ है, जो सर्व पापों से रहित है, जो निष्पाप है, जो मुक्ति और मुक्त पुरुष का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जो सर्वत्र गमन है, जो सबके शरीर में निवास करता है, वह आत्मा है, जो सूर्य का भी सूर्य है, जो अपनी महिमा में सदा स्थित है, जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला है, जो अपवित्र मन में प्रकट नहीं होता, वह आत्मा है, जो कर्मों के अनुसार सबको फल देता है, जो सदा हर समय स्वतंत्र है, वह आत्मा है, जो किसी को आज्ञा देने योग्य नहीं है, जो कामनाओं को आनंद देता है, वह आत्मा है, जो उत्पत्ति और नाश दोनों करता है, वह आत्मा है, जो सर्व कारणों का कारण है, जो तत्व ज्ञान से भरपूर है, जो भगवत धर्म से प्रत्यक्ष होता है, जो सांसारिक सुखों में लगाव नहीं रखता, वह आत्मा है, जो सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो पवित्र कीर्तिशाली है, जो सुखवर्ण वीर्य वाला है, जो सबका सच्चा धन है, वह आत्मा है, जिसका स्वभाव नित्य शुद्ध और बुद्ध है, वह आत्मा है, जो मिलकर कभी बिछुड़ता नहीं, वह आत्मा है, जो सबके शुभ कर्मों की प्रेरणा है, वह आत्मा है, जो मन बुद्धि और चित्त का विषय नहीं है, वह आत्मा है, जो सब कुछ करता है फिर भी अकड़ता है, वह आत्मा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह आत्मा है, जो ज्ञान और ऐश्वर्य से संपन्न है, वह आत्मा है, जो मंगली का भी मंगल है, जो काल रूप बंधनों से मुक्त करे, जो सदा सर्व विकार से दूर है, जो विश्व का मुख्य कारण है, वह आत्मा है, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का सार है, वह आत्मा है, जो आत्मज्ञानियों का कल्प वृक्ष है, वह आत्मा है, जिससे सब शक्ति पाने और पाते हैं, वह आत्मा है, जो सत्पुरुषों से प्राप्त करने योग्य है, जिसमें देवताओं से श्रेष्ठ शक्ति है, वह आत्मा है, जिसका ज्ञान अज्ञानियों को ज्ञानी बनाता है, वह आत्मा है, जो सत्पुरुषों को ऐश्वर्य देता है, जो सबको आनंद का अनुभव कराता है, जो भक्तों का श्रेष्ठ मित्र है, जो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, जो बुद्धिमानों का परम पूजनीय है, जो अभिमानी को प्राप्त नहीं होता, वह आत्मा है, जो सच्चा और परम ज्ञानी है, वह आत्मा है, जो सदा सदैव स्वस्थ रहता है, वह आत्मा है, जो अपनी महिमा में सदा स्थिर है, जो सत्य और धर्म से भरा हुआ है, जो संसार का कारण रूप परमात्मा है, जो प्रकृति माया और पुरुष का ईश्वर है, वह परमात्मा है, वो आत्मा है, जो तम रज और सत्व गुणों से परे हैं, वह आत्मा है, जो सबको फल प्रदान करता है, वह आत्मा है, जो सदा सर्वदा स्थिर भाव रखता है, जो मननशील और योग्य है, जो सबको पवित्र करता है, जो ज्ञान से भरपूर है, जो जानने पर भव से पार कर देता है, वह आत्मा है, जो धर्म प्रिय है, अर्थात जिसे धर्म प्रिय है, वह आत्मा है, जो समस्त जगत की शोभा है
वह आत्मा है जो भक्तों का सदा हितकारी है, जो सदा सब कुछ जानता है। वह आत्मा है जो जल में डूबता नहीं और डूब नहीं सकता। वह आत्मा है जो वायु से सुख नहीं करता और जो वायु से सुख नहीं सकता। वह आत्मा है जो शास्त्र से और शास्त्र को जानने वाला है। वह आत्मा है और जो शास्त्र को जानता है। वह आत्मा है और जो शास्त्र से कट नहीं सकता। वह आत्मा है जो अजर अमर है। वह आत्मा है जो जन्म मरण से रहित है। वह आत्मा है जो सदा सबको प्राप्त है, जो अग्नि से जल नहीं सकता, जो शास्त्र से काटा नहीं जा सकता, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो अति प्रकाश से युक्त है, जो सदा विश्रामवान है, जो सदा सर्वदा पूर्ण है। वह आत्मा है जो सदा दोष से रहित है, जो सदा प्रेम रस है। वह आत्मा है जो शरीर नहीं बल्कि सबको आदेश देता है, जो अपने प्यारों को शक्ति देता है, जो सर्व बुद्धियों से भी श्रेष्ठ है, जो आकाश आदि पदार्थ में स्थित है। वह आत्मा है जो अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत विशाल है। वह आत्मा है जो गुरु के संग से जाना जाता है। वह आत्मा है जो सर्व अवगुणों से अत्यंत दूर है, जो महान शक्तिशाली है, जो सब में सब कुछ है, जो पूजा के योग्य है, जो परमात्मा का अंश है। वह आत्मा है जो मन से भी अधिक वेग वाला है, जो सर्व धर्म वाला है। वह आत्मा है जो प्राणियों का उत्सव है, जो प्रयास करने पर अनुभव में आता है, जो पूजितों से सदा पूज्य है, जो शांति से भरपूर और पूर्ण भरा हुआ है, जो भूत भविष्य और वर्तमान का मालिक है। वह आत्मा है जो औषधि रूप है। वह आत्मा है जो अपना आधार आप है, जो सर्व ज्योतियों की ज्योति है। वह आत्मा है जो राग द्वेष से सदा रहित है, जो समस्त विभूतियों का आधार है, जो तीनों कालों में स्थित है, जो भक्तों को तारता है। वह आत्मा है जो सर्व कार्यों में दक्ष है, जो जगत का अविनाशी तत्व है, जो सबको प्रसन्न करने वाला है, जो मन और इंद्रियों से दूर है, जो समस्त देश काल में रहता है, जो प्राण रूप उपाधि से सब जीवों का आश्रय है, जो अपने आधार का आराधी जो अपने आधार पर आधारित है। वह आत्मा है।